सरदारपुर में मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, मंदिरों में नंदी की प्रतिमा पी रही दूध और जल, नंदी की प्रतिमा को श्रद्धालुओं ने पिलाया दूध और जल। मनावर में ग्रामीणों ने एसडीएम जोशी को सौंपा ज्ञापन, कंपनी से सुविधाएं नहीं मिलने की कही बात, कंपनी ने किसानों को दिया था सुविधाएं देने का आश्वासन। इंदौर में मास्टरमाइंड ठग चढ़ा पुलिस के हत्थे, कई राज्यों में लोगों से की ठगी, पैसे डबल करने के नाम पर करता था ठगी। छत्तीसगढ़ में भाजपा प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने विधायक और सांसद के साथ की बैठक, 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों की समीक्षा, संगठन को मजबूत बनाने के लिए बूथ स्तर पर काम करने की कही बात। रायपुर में पुलिस ने गांजा तस्कर को किया गिरफ्तार, तस्कर के पास से 50,000 का 5 किलो गांजा किया जब्त, मुखबिर की सूचना पर की कार्रवाई। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश में भगवान भोलेनाथ, गणेश और नंदिनी महाराज की प्रतिमाएं जल और दूध पी रही हैं। अब इसे आस्था कहें या अंधविश्वास कहें या फिर कोई और चमत्कार, प्रदेश भर के मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। श्रद्धालु भगवान की प्रतिमाओं को चमत्कार चम्मच से जल और दूध पिला रहे हैं। इसका एक उदाहरण सरदारपुर के दसई में भी देखने को मिला, जहां गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों ने नंदी को दूध और जल पिलाया। आस्था में डूबे भक्तों का कहना है कि कलयुग में यह भगवान शिव का चमत्कार है। आज जैसे ही जानकारी मिली कि भगवान भोलेनाथ का वाहक नंदी दूध और जल पी रहे हैं, वैसे ही हमने मंदिर में आकर जब देखा तो वास्तव में यह जो भी है, लेकिन वास्तव में चमत्कार है कि आज नंदी बाबा जल और दूध पी रहे हैं, नदी की दूध या पानी पी रहे हैं, इसलिए हम मंदिर में आए और हमने देखा कि वास्तव में वो ऐसा चमत्कार हो रहा है, वो सच में पानी और दूध पी रहे हैं। मनावर में अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री से प्रभावित ग्रामीणों ने एसडीएम शिवांगी जोशी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने अल्ट्राटेक कंपनी के आदेशानुसार अवार्ड और पुनर्वास नीति के तहत प्रभावितों को सुविधाएं नहीं मिलने की बात कही है। बता दें कि क्षेत्र में अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी संचालित हो रही है, जहाँ कुल 165 कृषकों की लगभग 223 हेक्टेयर भूमि 30 साल के लिए अधिकृत की गई है, जिस पर कंपनी ने किसानों को आश्वासन दिया था कि प्रभावित क्षेत्र में समुचित शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं की जाएंगी और किसानों को रोजगार जैसी कई सुविधाएं भी दी जाएंगी। अब तक उन्हें कोई सुविधा या किसी प्रकार की भी कोई सुविधाएं नहीं मिली हैं। भारत माता की, भारत माता की। अभी हमको वहाँ उतारे सारे न सही आसे आसे करीन उतार दिया, ने हमको हमार पोरे न को वहाँ लगाया, अब हम उठ गया वहाँ नहीं पानी की व्यवस्था नहीं कई नहीं कवाई है, फिर छत कंपनी वहाँ बंदी की नहीं लगाओ नहीं कई नहीं, तो हम बिरान गांव में लोग का वहाँ रहना दे हमको। हमारी मांग बाहर की नहीं है, हमारी मांग जो अल्ट्राटेक कंपनी ने जमीन अतिक्रमण करने से पहले जो एग्रीमेंट में दिया था, उसी मांगों के संबंध में आज हमने ज्ञापन दिया। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जो उनके एग्रीमेंट में है वो मांगे पूरी करें, और अगर नहीं हुई मांगे, अगर मांगे पूरी नहीं, 15 दिवस का समय दिया, अगर मांगे पूरी नहीं हुई है तो हम उग्र आंदोलन करेंगे और कंपनी को बंद करवाने की वहाँ पे धरने पे बैठ जाएंगे। कुछ किसानों ने जिनकी जमीन प्रभावित हुई अल्ट्राटेक कंपनी के स्थापना द्वारा, उनके द्वारा यहाँ पर ज्ञापन दिया गया, उनके कुछ मांगे हैं जिसको उन्होंने लिखित रूप में मुझे दिया है। उन मांगों के ऊपर गंभीरतापूर्वक हम विचार करके अल्ट्राटेक कंपनी से बात करके जितना भी हम इनको राहत दे सकते हैं हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी। चलिए, इस पर अधिक जानकारी के लिए वाहिद मंसूरी मनावर से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। वाहिद, मनावर का एक मामला सामने आया है जहां पर अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी संचालित हो रही है और उन्होंने 30 साल के लिए जो किसान है उनकी भूमि अधिकृत की है, और उसके एब्ज में उन्होंने कहा था कि किसानों को सुविधाएं दी जाएंगी, लेकिन उन्हें कोई सुविधाएं अभी तक नहीं दी गई हैं। जी वाहिद, आप तक मेरी आवाज आ रही है?
मनावर की पूरी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां ग्रामीणों ने एसडीएम जोशी को ज्ञापन सौंपा है। उनकी मांग है कि कंपनी ने सुविधाएं देने की बात कही थी, लेकिन कंपनी के द्वारा अभी तक कोई सुविधाएं नहीं दी गई हैं। उनकी जो जमीन है 30 साल के लिए अधिकृत कर ली गई है, और उसके एवज में कंपनी ने किसानों को आश्वासन दिया था कि प्रभावित क्षेत्र में समुचित शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं की जाएंगी, लेकिन किसानों को रोजगार भी दिया जाएगा, लेकिन अभी तक उन्हें किसी प्रकार की कोई सुविधाएं मुहैया नहीं कराई गई हैं, जिसको लेकर उन्होंने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। चलिए एक बार फिर वाहिद हमारे साथ जुड़ गए हैं मनसा मनावर से। वाहिद, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी वाहिद, एक कंपनी संचालित हो रही है अल्ट्राटेक सीमेंट नाम की, जो कि वहां पर उस कंपनी के द्वारा आश्वासन दिया गया था किसानों को कि उन्हें सुविधाएं मुहैया कराएंगी। उनकी जो जमीन है उसे 30 साल के लिए अधिकृत कर लिया गया है और सुविधाएं देने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अभी तक कोई सुविधाएं नहीं दी गई उन्हें। जी मैडम, मैं इसमें बताना चाहूंगा कि मनावर से करीब 5 या 7 किलोमीटर दूर टोके ग्राम है, जहाँ पर अल्ट्राटेक कंपनी ने सीमेंट फैक्ट्री लगाई है। वहाँ पीड़ितों ने एसडीएम को एक ज्ञापन दिया है, जिसमें उन्होंने अपनी जो मूलभूत सुविधाओं के लिए उन्होंने कंपनी ने जो जिस शर्तों के आधार पर जो उनकी जमीन एक्वायर की थी, उसमें कम से कम 165 कृषकों की कृषि भूमि, लगभग 233 हेक्टेयर कृषि भूमि उनकी कवर की थी, और उनसे जिन शर्तों के आधार पर उनकी जमीन कवर की थी उनके आधार पर उनको वह सुविधा मूलभूत सुविधा नहीं मिल रही है। उनका कहना है कि कंपनी ने ये शर्त है कि कम जिस परिवार जो पीड़ित परिवार है उसके परिवार में से किसी एक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार स्थायी नौकरी दी जाना चाहिए थी, जो आज तक दी नहीं, और पुनर्वास की जो व्यवस्था थी वो करना थी, शिक्षा पानी की व्यवस्था करना थी। यहाँ तक कि उनका एक शर्त ये भी थी कि उस परिवार में अगर कोई बुजुर्ग है तो उसको 5,000 रुपए प्रति माह पेंशन देना थी, जो नहीं दी। और उसमें ये जो शर्तें थी जिसमें बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा स्वास्थ्य ये सारी चीजें थी, उसके बाद उन्होंने एक आरोप भी लगाया है कि कंपनी जो है वो अपना जो रॉ मटेरियल है जो पट्टे के द्वारा संचालित करती है, आना जाना करती है, जिसके कारण ऊपर पट्टे पर से पत्थर गिर जाते हैं, जिससे कई दुर्घटना भी हो गई है, और आवाज इतना होता है कि किसान अगर अपने खेत में एक दूसरे से अगर बात करना चाहे तो बात भी नहीं कर पाता है। प्रभावितों का कहना है कि हमने इसके कई बार हमने कंपनी से भी मांग की है, कई बार हमने सरकार से भी गुहार लगाई है, लेकिन कंपनी इन मामलों को कोई ध्यान नहीं दे रही है और अपना काम संचालित किए जा रही है। कितने सालों से ये कंपनी यहाँ संचालित है? ये कम से कम इसको यहाँ से 4 से 5 साल हो गए मैडम संचालित होते होते, मतलब 4-5 साल हो गए हैं, आश्वासन दे दिया गया, लेकिन अब तक उन्हें किसी प्रकार की कोई सुविधाएं नहीं दी गई, जिससे कि अब जो रहवासी हैं, जो किसान हैं, वो परेशान हो रहे हैं। जी, उनका ये कहना है कि जो प्रभावित है, जो पीड़ित है, पीड़ित किसान है, पीड़ित जिनकी जमीन एक्वायर की गई है, उनके जैसे घर के लिए घर या किधर जाने के लिए कोई धार्मिक स्थल है वो अगर गया है, या पुल या जाने आने का रास्ता जो हुआ है, ये सारी सुविधा कंपनी को, अगर वो कंपनी तोड़ती है तो कंपनी को दूसरी करके देना है, लेकिन ऐसी कोई सुविधा, उनका ये आरोप है पीड़ितों का कि उन्होंने ऐसी कोई सुविधा हमको आज तक नहीं दी। और हमारे जो बच्चे हैं, जो पीड़ितों के बच्चे हैं, जो लोग उसमें नौकरी भी कर रहे हैं, तो वो ठेकेदार की वजह से कर रहे हैं, ना कि कंपनी ने उनको कोई नौकरी दी है, ऐसा उनका आरोप है। जब संचालक से बात की होगी किसानों ने, तो उनका क्या कुछ कहना था, क्या आपने उनसे बात करी? जी, संचालकों का ये कहना है कि हमारी जो नियम और शर्तों के हिसाब से हम काम कर रहे हैं। ये मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि कंपनी की ओर से ग्रामीणों में कुछ ग्रामों में सिलाई केंद्र वगैरह ये वो चलाए जा रहे हैं, समय समय पे ये जो चीजें हैं ये हमने देखी और ये कर रहे हैं, ये चीजें कंपनी कर रही है और ये बता भी रही है, लेकिन वो उनका ये कहना है कि हमारी जो शर्त है उसके हिसाब से हम काम कर रहे हैं। अभी आपने बताया कि वहाँ पर काम चलता है तो कई प्रकार से वहाँ पत्थर भी गिर जाते हैं, जिससे दुर्घटनाएं हो जाती हैं, तो क्या उन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गई वहाँ पर? नहीं, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं, पर जो कंपनी का रॉ मटेरियल के लिए जो बेल्ट चलता है उसके नीचे से आने जाने के लिए रास्ता भी है, अब उन रास्तों को चेंज करके उन जो प्रभावित लोग हैं उनके जो घर है वहां से जाने के लिए उनको दूसरा रास्ता चाहिए या उसकी कोई और व्यवस्था, तो उसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं की गई। तो क्या किसी ने इसकी शिकायत की है?
जी ये शिकायत मनावर एसडीएम में की है मैडम जी, और मुख्यमंत्री के नाम भी, उद्योग मंत्री के नाम भी इन लोगों ने कई बार ज्ञापन दिए। इन्होंने अभी फिलहाल वहां पे एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है, तो उनका क्या कुछ कहना है, क्या कुछ आश्वासन दिया उन्होंने ग्रामीणों को, किसानों को? एसडीएम महोदय ने कहा है कि मैं इसकी जानकारी लूंगी और इसकी अगर इसमें कोई भी अगर गलत चीज या इन्होंने मूलभूत सुविधाएं नहीं दी है तो मैं उन पर कार्रवाई करूंगी। लेकिन इन्हें सुविधाएं मिलनी चाहिए, जिस तरीके से उन्होंने अपनी जमीन भी दे दी है जहां पर वो खेती करते होंगे, उनकी जो 30 सालों के लिए वो अधिकृत हो चुकी है, उसके बाद भी उन्हें इसके एब्ज में किसानों को आश्वासन दिया गया कि उन्हें समुचित शिक्षा दी जाएगी, उनके बच्चों का जो भविष्य है उन्होंने सोचा होगा उज्ज्वल हो पाएगा, स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पाएंगी, रोजगार मिल पाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं मिल पा रहा। ये सब चीजें इन्हें मिलनी चाहिए थी शर्त के अनुसार, पर क्यों नहीं मिल पा रहा? यही एक कारण है कि कुछ लोग जो है वो दबाव के कारण नहीं बोल पाते हैं, लेकिन अब क्या है जो प्रभावित लोग है, जो महिला है, महिलाओं को पानी पानी की जो दिक्कत आती है उसके लिए वो बहुत दूर तक जाना होता, पानी नहीं मिलता है, तो अब वो जो परेशान हो गए, अभी गर्मी का मौसम लगने वाला है तो पानी मिल नहीं, अब ज्यादा जब परेशान हुए हैं तो वो अपनी गुहार फिर से लगा रहे हैं और तेज कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि उनको उनकी मूलभूत सुविधाएं दी जाए, लेकिन जो कंपनी है, कंपनी प्रशासन को ये चीज सोचना होगी कि उन जिन लोग जो लोग प्रभावित हुए उनको मूलभूत सुविधा देनी चाहिए। जी बिल्कुल, ये कंपनी का फर्ज भी बनता है कि जब भरोसा करके किसानों ने उन्हें ये जमीन दी है, उन पर भरोसा किया है और उनके एप्स में उन्होंने आश्वासन दिया था, तो उसे पूरा करना उनका फर्ज भी बनता है कहीं ना कहीं। चलिए ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। पुलिस ने ठगी के आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर ठगी करते हैं कि हम आपको पकड़ा गया है। पुलिस ने जब आरोपी से पूछताछ की तो उसने बताया कि पैसे डबल करने के नाम पर वह ठगी करता था। वह लोगों से एडवांस में पैसे ले लेता था और जब लोग पैसे डबल लेने आते थे तो नोटों के बीच में कोरे कागज रखकर उसने दे देता और फिर वह फरार हो जाता था। बरामद पुलिस ने उसके पास से बरामद किए हैं और पुलिस ने आरोपी से पूछताछ शुरू की है, उनको गिरफ्तार किया जा चुका है और अब आरोपी से गहन पूछताछ की जा रही है। ठगी करते हैं कि हम आपको इतने रुपए में हम इतने नोट करके दे देंगे आपको, तो उसमें कई मासूम लोग, हमारे नागरिक लोग जो है इसका शिकार हो जाते हैं। उसी तातम में पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग हमारे यहाँ पे काउंटरफिट करेंसी के नाम पे घूम रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं कि हम आप इतने रुपए दीजिए, हम उसके आपको डबल करके देंगे। उसी तातम में पुलिस ने मुखबिर लगाया और जो आरोपी कादम जो कि था बिल्लौद गांव का रहने वाला है, उसको अपनी हिरासत मिली। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना पूरा मोडस ऑपरेंडी बताया, जिसमें उसने बताया कि वो लोगों को बोलता है कि वो पैसे डबल कर देगा और जब ट्रांजैक्शन की बात आती है एडवांस पैसे लेता है, फिर जब उसको हैंड ओवर करना होता है तो बीच में एक कागज़ की गड्डी रहती है, उसके ऊपर एक ओरिजिनल नोट रहता है, नीचे भी एक ओरिजिनल नोट रहता है और देखिए गायब हो जाता है। बेसिकली ठगी का प्रकरण होता है। छत्तीसगढ़ के भाजपा प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने प्रदेश के सभी भाजपा विधायकों और लोकसभा सांसदों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की और 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों की समीक्षा भी की। वहीं पुरंदेश्वरी ने संगठन को मजबूत बनाने के लिए बूथ स्तर पर काम करने और केंद्र सरकार की योजनाएं जनता को बताने की बात कही। बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह सहित भाजपा के सभी विधायक और सांसद मौजूद रहे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के संगठन को भारतीय जनता पार्टी के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, ये सब मिलकर और जो पूरे छत्तीसगढ़ में अव्यवस्था है, अनार्कीता की स्थिति है, विकास के काम ठप पड़े हुए हैं, किसान, नौजवान, महिलाएं, अनुसूचित जाति, जनजाति सबका शोषण हो रहा है, इसके विरोध में रणनीति बनाकर और 2023 में आने वाले विधानसभा चुनाव में इस सरकार को कैसे उखाड़ कर फेंका जा सकता है, इसके बारे में लगातार चर्चा कर रणनीति बनाने का काम। बिलासपुर प्रेस क्लब में सनातन सेना की कार्यकारिणी बैठक संपन्न हुई। बैठक के बाद सनातन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में सनातन सेना संगठन विस्तार तेजी से हो रहा है और संगठन यहां सनातन धर्म, संस्कृति और सनातनियों के हित में संगठन सदैव तत्पर रहेगा।
वहीं राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर उमेश तिवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था कि यह श्रीराम का ननिहाल है, लेकिन प्रदेश में सनातन धर्म विरोधी कार्यों को देखते हुए क्या हम कह सकते हैं कि श्रीराम के ननिहाल में ऐसा काम हो सकता है? धर्मांतरण और लव जिहाद जैसी घटनाओं पर सरकार को रोक लगानी चाहिए। कार्य करेंगे तो मीडिया के माध्यम से वो बात भी तो जाना चाहिए, सरकार के दुकाने में जाना चाहिए। सनातन सेना का उद्देश्य यह है कि जो छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण हो रहा है उस पर रोक लगे, जो लव जिहाद हो रहा है उस पर रोक लगे। अभी भूपेश बघेल जी गौचर की भूमियों को थोड़ा थोड़ा भी योगदान दे रहे हैं, गौपालन का कार्य करें, मैं उनको बधाई दूंगा और मैं उनसे ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि उनके बुद्धि विवेक और बढ़े और गौ रक्षा का कार्य वो निरंतर करते रहे, गौ सेवा का वो कार्य करते रहे। रही बात धर्मांतरण का, धर्मांतरण का बहुत सारे जिलों में छत्तीसगढ़ के यहाँ तो बहुत तेजी से वो पैर पसार रहे हैं और बहुत तेजी से कार्य हो रहा है, उसको रोक होना चाहिए। रायपुर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय प्रशांत अग्रवाल के निर्देश पर अधिकारी और थाना प्रभारियों द्वारा मुखबिर लगाकर पेट्रोलिंग शुरू की गई। वहीं मुखबिर की सूचना पर गुड़ियारी थाना की पुलिस ने एक गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसने पूछताछ करने पर अपना नाम हबीब खान बताया और उसकी बोरी की तलाशी लेने पर 5 किलोग्राम मादक पदार्थ गांजा जब्त किया गया, जिसकी कीमत लगभग 50,000 रुपए बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 98/22 और 20B नारकोटिक्स एक्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर कार्रवाई की है। रतलाम जिले के शिव मंदिरों में अचानक से भीड़ देखने को मिली। सोशल मीडिया पर नंदी के दूध और पानी पीने की खबर जैसे ही वायरल हुई, लोग शिवालयों में पहुंच गए और नंदी भगवान को दूध पिलाने लगे। भक्तों का मानना है कि ये भगवान शिव का चमत्कार है। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।